मध्य प्रदेश में साल 2018 के बाद बीच के डेढ़ साल छोड़ दिए जाए तो कांग्रेस पिछले 20 सालों से सरकार में नहीं है। अब चुनाव करीब है, कांग्रेस इस बार प्रदेश में वापसी की उम्मीद लगाए बैठी है। कांग्रेस पार्टी ने एक सीट को छोड़कर अपनी 229 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। अरबों रुपए के मालिक नेताओं को भी टिकट दिया गया है। ऐसे में एक सीट ऐसी है जहां से आदिवासी गरीब को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये मामला दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि गरीब की लड़ाई एक राज परिवार के युवराज से है। लोकतंत्र के महापर्व विधानसभा चुनाव में मुकाबला एक गरीब आदिवासी का रियासत के राजा से है। राज परिवार चुनाव जीतने के लिए गांव की गलियों में खाक छान रहा है। आदिवासी नेता से हार का खतरा इतना ज्यादा है कि महाराज महारानी युवराज युवरानी और राजकुमारी को चुनाव प्रचार में दिन रात एक करना पड़ रहा है। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा सीट में मुकाबला रोचक और दिलचस्प है। बघेलखंड की सबसे बड़ी रीवा रियासत ने 450 सालों तक हुकूमत चलाई। राजतंत्र के अंत के बाद प्रजातंत्र में भी राज परिवार की हिस्सेदारी रही। इस रियासत के युवराज दिव्यराज सिंह को बीजेपी ने सिरमौर विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस ने बड़ा दांव लगाते हुए राम गरीब वनवासी को मैदान में उतार दिया। लिहाजा एक तरफ क्षेत्र के आदिवासी अपने नेता को जिताने के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वहीं युवराज दिव्यराज सिंह को जिताने के लिए पूरा राज परिवार मैदान में उतर गया है। शाही परिवार के जो सदस्य नहीं पहुंचे हैं वो डिजिटल माध्यम से प्रचार कर रहे हैं। अभिनेत्री राजकुमारी मोहिना सिंह उत्तराखंड से वीडियो भेज रही हैं, जबकि दिव्यराज सिंह के ससुराल नगर उटारी झारखंड से शाही राज परिवार आकर सिरमौर में जमा हुआ है। दिव्यराज सिंह सिरमौर से लगातार दूसरी बार से विधायक है। 2013 के विधानसभा चुनाव में दिव्यराज सिंह ने विवेक तिवारी और 2018 में विवेक तिवारी की पत्नी अरुणा तिवारी को हराया था, लेकिन इस बार एक आदिवासी से मुकाबला चुनाव को दिलचस्प बना रहा है। राजमहल को छोड़कर राजा रानी गांव की गलियों में घूम रहे हैं और जनता से वोट की अपील करते दिखाई पड़ रहे हैं। दिव्यराज सिंह का मानना है कि रियासत जनता की थी तब भी उनके पूर्वजों ने सेवा की और अब वो सेवा कर रहे हैं। दिव्यराज विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में है। वहीं राम गरीब वनवासी मानते हैं कि यह राजा और आदिवासी के बीच लड़ाई नहीं है, ये विचारधारा की लड़ाई है। अकेले सिरमौर नहीं बल्कि विंध्य के 30 सीटों पर परिणाम बदलने के लिए उन्हें आला कमान ने मैदान में उतारा है। राम गरीब का दावा है कि उनकी जीत होगी और बीजेपी की हार होगी। चुनाव का परिणाम अब चाहे जो भी आए, लेकिन इस रोचक मुकाबले पर सबकी दिलचस्पी तो बढ़ ही गई है।